हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम लोग बनाएंगे एक व्हाइट कोरमा। एक व्हाइट कोरमा दिखने में जितना यामी है, टेस्ट में उतना ही अच्छा है। आप देखिए कितना यामी लग रही है ना, और बनाना भी बहुत इजी है। आप देखिए इसको टेक्सचर कितना अच्छा है ना, ग्रेवी बहुत ही अच्छा लग रही है देखने में। और इसको आप बना के रख सकते हैं, आप बना के 1 वीक तक आप एंजॉय कर सकते हैं। इसको ग्रेवी जितना आप गर्म करेंगे उतना ही टेस्टी होते जाएंगे। तो इसको ज़रूर बना के टेस्ट कीजिए, और बहुत ही यमी लग रही है ना। ऐसा ही आपको ग्रेवी बन जाएंगे। मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए तो अच्छा, ज़रूर इतना ही टेस्टी बन जाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका जगह कोकोनट ऑयल और घी भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 5 अंडे लिया। अंडे को उसको बॉईल करके उसको छिलका हटा के और थोड़ा सा नाइफ से पोक करके रखा, स्लीट करके। आप चाहे तो स्पून का फॉर्क से मदद से आप इसको पोक भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसका सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट में डाल रही हूँ। आप जैसे जितना सॉल्ट खाना पसंद करते हैं उतना ही डालिए, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा ऑयल मत डालिए, तो अंडे का कलर उतना नहीं अच्छा आएंगे। अब देखिए, अब इसके बाद 1 पिंच मैंने हल्दी भी डाली, इसको सिर्फ कलर लाने के लिए, क्योंकि एक का आउटसाइड जो स्किन है उसको थोड़ा क्रंची एंड क्रिस्पी होना चाहिए, तो देखने में बहुत ही यमी लगती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी यूज़ किया। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा लग रही है ना फ्राई करने के बाद। तो मैंने व्हाइट कोरमा बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा हल्दी यूज़ नहीं करूँगी। और पैन में जितना एक्स्ट्रा हल्दी है उसको मैंने टिश्यू पेपर से निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। आप घी का जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड ऑनियन डाल रही हूँ। आप चाहे जितना हो सके ऑनियन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो उसको टेस्ट और भी अच्छा होंगे। अब देखिए ऑनियन जैसे ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे, तो इसको हम लोग सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। उसको डालने के बाद इसको फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिए, और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली। सॉल्ट एंड शुगर डालने से ऑनियन बहुत जल्दी पक जाते हैं। अभी इसको मैंने ग्रीन कार्डमम को डाल रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ के इसके अंदर डाल देना। ग्रीन कार्डमम जरूर डालना, इसको स्किप मत कीजिए। इसके बाद मैं कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, और इसको बाद हम लोग थोड़ा सा जीरा पाउडर और पेपर पाउडर डाल रही हूँ। इसको मैं कोई लाल मिर्ची यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कलर नहीं आएंगे, व्हाइट कलर नहीं आएंगे। तो इसके बाद मैंने एक टेबल स्पून मैंने व्हाइट जैसे ग्रीन चिली पाउडर जो मैंने घर पे बना के रखा। ग्रीन चिली पाउडर आप घर पे बना सकते हैं, और घर पे ग्रीन चिली पाउडर नहीं है तो आप चिली पेस्ट भी दे सकते हैं। ग्रीन चिली को पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालिए। कॉर्नफ्लावर का जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो मैंने ग्रेवी को थिक बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया। अभी देखिए इसको कलर बहुत चेंज हो गया। अभी इस पोजीशन में हम लोग जो कोकोनट मिल्क है उसको मैंने कोकोनट को मिक्सी में ग्राइंड करके उसको मिल्क मैंने डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप अलग से मिल्क बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे कंफर्टेबल फील करती हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट मिक्सी में पीस के इसे एकदम फ्रेश मिल्क इसके अंदर डालती हूँ। तो आप देखिए ऐसा डालने के बाद आपको फ्लेम को हाई कर देना इसी स्टेज में, क्योंकि मिल्क डाला ना तो बहुत सारे ये हो गया ना, अभी इसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए बॉईल होने के लिए। तो इस स्टेज में आप फ्लेम को हाई कर दीजिए, और इसको लगातार इसको चलाते रहना, नहीं तो वो जो कॉर्नफ्लावर है उसको गुठलियाँ बनने का चांसेस है। इसके बाद हम लोग गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर ज़रूर डालिए। मैंने टाटा संपूर्ण का गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने टमारिन पेस्ट डाल रही हूँ। टमारिन पेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर डालिए, इसमें टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाते हैं।
आप इस स्टेज में थोड़ा टेस्ट करके देखिए ग्रेवी को, और सॉल्ट चाहिए कि शुगर चाहिए, क्योंकि हम लोग टमरिन पाउडर डाला ना, तो उसमें बैलेंस करने के लिए थोड़ा शुगर चाहिए हो सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जैसे बाटर डाली, जो दूध डाली है इस स्टेज में, तो बाटर डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाती है। अभी इसका बॉईल आना शुरू हो गया, ग्रेवी भी ठीक हो गया, इसका मतलब हमारा ग्रेवी रेडी है। तो उस स्टेज में हम लोग जो एक फ्राई करके रखा था उसको मैंने डाल दिया और हम लोग फ्लेम को ऑफ कर दिया। अभी अब हमारा ग्रेवी रेडी है, हमारा एक कोरमा रेडी है। आप सर्व कर सकते हैं, आप कोई भी टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लंच डिनर में आप यूज़ कर बना के एंजॉय कर सकते हैं। आप देखिए कितना यामी लग रही है ना, ज़रूर बना के एक बार टेस्ट कीजिए। उसका ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप सिर्फ कोकोनट मिल्क को बनाना ये है, टाइम लगते हैं, लेकिन उसमें इतना कुछ नहीं है, और आप मिक्सी में चला लेंगे तो जल्दी बन जाते हैं उसका मिल्क मिल्क बन जाए तो बनाना तो बहुत ही ईजी है। अब देखिए कितना यम्मी डिलीशियस डिश रेडी है, तो आप बना के ज़रूर एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दूसरा कोई नया रेसिपी के साथ। बाय बाय।